हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्जा चौहान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्जिनलाइजेशन के बारे में कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। अब मार्जिनलाइजेशन का मतलब अगर मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो आप जैसे इस स्लाइड पे देख रहे होंगे, हमने लिखने के लिए, जब भी हम कुछ चीज़ लिखते हैं, ठीक है, लिखने के लिए क्या हमने इस फ्रेम के अंदर, ठीक है, हमने लिखना स्टार्ट किया, हम इस फ्रेम के अंदर लिखते हैं और ये जो बाकी का जो एरिया होता है इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, ये बाकी के एरिया को हम छोड़ देते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मार्जिनलाइज कर देना। ये जो एरिया बचा हुआ है इसे हम कहते हैं मार्जिनलाइज कर देना। मेन स्ट्रीम कौन सी होगी, ये जो ये वाला एरिया होता है उसको कहते हैं मेन स्ट्रीम, जहाँ पर हम काम करते हैं, अपने सारे रिसोर्सेस इस चीज़ में लगा देते हैं, इन लोगों को ऊपर उठाने में लगा देते हैं, और जो बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। कि मार्जिनलाइजेशन का मतलब हो गया कि अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट एरिया, ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट एरिया जो हमारा ये बाहर का एरिया है, ये अनइम्पॉर्टेंट एरिया जिसको हम यूज़ ही नहीं करते, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसका मीनिंग कि मार्जिनलाइजेशन का क्या मतलब होता है। मार्जिनलाइजेशन इज़ द प्रोसेस और एक्ट ऑफ मार्जिनलाइजिंग, ये एक प्रक्रिया है और एक क्रिया है, एक कार्य है जिससे क्या है, मार्जिनलाइज कर देते हैं, हाशिए पर रख देते हैं लोगों को, ठीक है, वो किसी भी बेस पर हो सकता है, आगे हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइज हैज़ बीन डिफाइंड एज टू पुट और कीप समवन इन द पावरलेस, कि किसी को क्या करना, पावरलेस और अनइम्पॉर्टेंट पोजिशन विद इन ए सोसाइटी और ग्रुप, कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समुदाय को क्या कर देना, अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट और पावरलेस सिचुएशन में, पोजीशन में डाल देना, ठीक है। आप देखते होंगे हमारे समाज में सदियों से यही चला जा रहा है कि अगर हम कहें तो बेसिकली जो वुमेन है, ठीक है, उसको क्या है, एक अनइम्पॉर्टेंट पर्सन का दर्जा दिया जाता है। जो भी हमारे SC ST शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं, या फिर हम कह लें कि जितने भी हमारे विकलांग, ठीक है, डिसेबल पर्सन्स होते हैं, उनको क्या, हाशिए पर रख दिया जाता है, उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जाता, उनको हमारे समाज में इग्नोर किया जाता है, ठीक है, उनको क्या, बोझ समझा जाता है। तो इसी तरह से क्या, जब किसी को हम क्या, अनइम्पॉर्टेंट पोजीशन में, ठीक है, पावरलेस पोजीशन में रख देते हैं, तो उसको हम कहते हैं मार्जिनलाइज कर देना, हाशिए पर रख देना। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक हेल्थ 2002, टू बी marginalized means to be placed in the margins and thus get excluded from privileges and power found at the center, कि center में जो power मिलती है, अब जैसे ये screen है, अब जो ये center है, हम अगर लिखते भी हैं, अगर हम अपनी notebook में भी लिख रहे हैं, board पर लिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, बीच में लिखते हैं और आजू बाजू की जो भी साइड होते हैं उसको छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम है, हम हमेशा मेन स्ट्रीम में चलना पसंद करते हैं। अब हमने इस स्लाइड में लिखा तो ये क्या हो गया, ये इतना हिस्सा इसका मेन स्ट्रीम हो गया, ठीक है, और जो बाकी का हिस्सा हो गया हमने मार्जिनलाइज कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, जितने भी प्रिविलेजेस हैं, पावर्स हैं, इसको हमने नहीं दिए, तो हम इसको क्या कहते हैं कि एक्सक्लूड कर देना प्रिविलेजेस से, जितने भी उनके अधिकार बनते हैं, ठीक है, उनको क्या कर देना, उनको बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देना, ठीक है। आई होप आपको मार्जिनलाइजेशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि मार्जिनलाइजेशन मतलब क्या होता है, कि किसी को मेन स्ट्रीम से बाहर निकाल देना, ठीक है, या किसी को पावरलेस पोजीशन में खड़ा कर देना, उसे हम कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। अभी बहुत तरीके से किया जाता है तो अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम टाइप की बात करें तो दो तरह का होता है बेसिकली, एक होता है इंडिविजुअल मार्जिनलाइजेशन, एक होता है कम्युनिटी। इंडिविजुअल में क्या हो गया कि इंडिविजुअल में जब हम एक व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति को जब मार्जिनलाइज कर देते हैं सोसाइटी से, देखिए क्या लिखा गया है,
इट इज़ कंसर्न्ड विद द सोशल एक्सक्लूजन ऑफ द इंडिविजुअल एट देयर पर्सनल और इंडिविजुअल लेवल. कि जब हम किसी व्यक्ति को क्या कर देते हैं, पर्सनल लेवल पर, उसके व्यक्तिगत लेवल पर सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, तो उसको कहते हैं हम इंडिविजुअलाइज्ड मार्जिनलाइजेशन. इट इज़ द रिजल्ट ही और शी मे बी डिबार्ड फ्रॉम द मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी. मतलब क्या, सोसाइटी में मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन करने से हम उन्हें रोक देते हैं. अब जैसे आपने पुरानी मूवीज़ में भी देखा होगा कि कई लोगों को क्या है, अगर कोई गांव का रूल तोड़ता है, ठीक है, या कोई ऐसा काम कर देता है जो कि लोगों की नज़रों में सही नहीं है, तो उसे क्या है, गाँव से क्या करते हैं, बर्खास्त कर देते हैं. कि उनको कहते हैं ना, आपका दाना पानी उठ चुका है इस गाँव से. अगर किसी ने उसकी हेल्प करी तो क्या है, उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा. इस तरह से हुआ करता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी पर्सन को, ठीक है, या किसी के परिवार को क्या है कि मेन स्ट्रीम से हटा देते हैं, उसको वो पावर्स जो उसे पावर मिलती हैं, ठीक है, रहने की, अपना कमाने की, खाने की, जो भी पावर मिलती है सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने की, उसको हम उससे अलग कर देते हैं, तो उसको कहते हैं इंडिविजुअलाइज मार्जिनलाइजेशन. एग्जाम्पल्स जैसे देख लीजिए कि मार्जिनलाइजेशन ऑफ विडो, ठीक है, जो विधवा होती है, ठीक है, हमारे सोसाइटी में क्या, विधवाओं को क्या है, अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, ठीक है, तो क्या है, उसको भी हम क्या है, अलग थलग कर देते हैं. अब जैसे कि कोई भी शादी का फंक्शन होता है या फिर या कुछ भी कोई पवित्र काम है, ठीक है, पूजा पाठ का काम है, तो हम क्या करते हैं हमारी सोसाइटी में कि विधवाओं को ना एक्सक्लूड करते हैं, बुलाया नहीं जाता, उनको अच्छा नहीं माना जाता कि अगर ये आई तो अपशगुन हो जाएगा. तो ये क्या हमारी सोच है, हमारी पुराने विचारधारा है, ऐसा कुछ नहीं होता. सिंगल मदर्स हैं जो, ठीक है, जो सिंगल मदर अपने बच्चों को पाल रही हैं, पोस रही हैं, उनको भी बिल्कुल ही मतलब एक अजीब सी नज़रों से देखा जाता है, उनको भी उतना सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती. पुअर हैं, गरीब हैं, डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, जो भी डिसेबल विकलांग इंसान होते हैं, उनको भी एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है. तो ये सब क्या है, ये हमारे इंडिविजुअल लेवल पर हम जब किसी को मार्जिनलाइज कर देते हैं हमारे सोसाइटी से, तो इसको हम कहते हैं मार्जिनलाइजेशन कर देना. ठीक है, आई होप आपको इंडिविजुअल मार्जिनलाइजेशन समझ में आ गया होगा. अब आगे बढ़ते हैं. और कुछ होता है कम्युनिटी, कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को ही मार्जिनलाइज कर दिया जाता है. वो कैसे, इन सच मार्जिनलाइजेशन एन एंटायर कम्युनिटी और अ ग्रुप हैविंग माइनॉरिटी स्टेटस मे बी फाउंड टू फेस मार्जिनलाइजेशन एट द हैंड्स ऑफ मेजॉरिटी ग्रुप. क्या होता है कि कुछ मेजॉरिटी ग्रुप होते हैं, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वो क्या कहते हैं माइनॉरिटी स्टेटस, जो माइनॉरिटी जो कि अल्पसंख्यक होते हैं, उनको क्या करते हैं मेन स्ट्रीम से आउट कर देते हैं. अब जैसे कि विमेन है, ठीक है, विमेन अनटचेबल एंड शेड्यूल्ड कास्ट आर ऑल्सो सफर्ड कम्युनिटी मार्जिनलाइजेशन. अब जैसे कि अल्पसंख्यक लोग होते हैं, आदिवासी होते हैं, ठीक है, या अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, उनको बिल्कुल सोसाइटी से क्या एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनकी पूरी की पूरी कम्युनिटी को एक्सक्लूड कर दिया जाता है. जैसे कि अनटचेबल लोग होते हैं, छुआछूत की बीमारी समझा जाता है, तो उस कम्युनिटी को अलग कर दिया जाता है. शेड्यूल कास्ट के लोगों को मतलब मेन स्ट्रीम में नहीं लाने दिया जाता. तो इस तरह से जब पूरी की पूरी कम्युनिटी को, ठीक है, जब मार्जिनलाइज किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी मार्जिनलाइज. जबकि जो मेजॉरिटी ग्रुप होता है, वो माइनॉरिटी ग्रुप को क्या कर देता है, सोशल एक्सक्लूड कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी मार्जिनलाइजेशन कहते हैं. चलिए आगे बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, आखिर क्या क्या तत्व हैं जो मार्जिनलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, कि जिन वजह से मार्जिनलाइजेशन किया जाता है हमारी सोसाइटी में. सबसे पहले है जेंडर लिंक्ड फैक्टर लाइक नेगेटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स द गर्ल्स. ठीक है, जेंडर सबसे इम्पॉर्टेंट है, जेंडर. तो इसमें क्या है कि गर्ल्स के साथ वुमेन्स, बायसेक्सुअल, प्रोस्टिट्यूट्स, ट्रांससेक्सुअल एंड थर्ड जेंडर. कि हमारे सोसाइटी में क्या है कि ये बहुत सदियों से चला आ रहा है कि आदमी को और औरत को इक्वल नहीं समझा जाता. हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, औरत को हमेशा आदमी से नीचा ही समझा जाता है, चाहे वो कितनी तरक्की क्यों ना कर ले लाइफ में. ठीक है, तो क्या है कि गर्ल्स के साथ वुमेन्स के साथ जब भेदभाव किया जाता है, ठीक है, उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते मैंस के अकॉर्डिंग. ठीक है, और बायसेक्सुअल को, जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको बहुत ही गंदी नज़रों से देखा जाता है. ट्रांससेक्सुअल को और थर्ड जेंडर, जो हमारे थर्ड जेंडर हैं, ठीक है, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है. किसके बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे. तो उसे हम इसी वजह से क्या होता है, एक
ये एक फैक्टर बन जाता है मार्जिनलाइजेशन करने का। दूसरा फैक्टर है इकोनॉमी लिंक्ड फैक्टर, लाइक जैसे पॉवर्टी, गरीब लोग, लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो लोग गरीब होते हैं, ठीक है, उनको क्या है, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, ठीक है, वो क्या है, अच्छी नज़रों से नहीं देखते और अपने साथ उठने बैठने के लायक नहीं समझते हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाता है, उनको भी क्या है, समाज से एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है, उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाने दिया जाता। उसके साथ साथ क्या है, जिन लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा नीचा है, ठीक है, वो ब्रांडेड चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका घर है वो इतना अच्छा इतना सुंदर नहीं है, और क्या अनएम्प्लॉय है, जो बेरोज़गार लोग होते हैं उनको भी क्या है, इस बेसिस पे क्या एक्सक्लूड कर दिया जाता है मेन स्ट्रीम से। उसके बाद बात आ जाती है सोशल कल्चर लिंक्ड फैक्टर। सोशल कल्चर के बेसिस पे भी लाइक बिलोंगिंगनेस टू डिफरेंट कास्ट, अगर कोई डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करता है, ठीक है, डिफरेंट कास्ट, रेस, कलर, रिलीजन या लैंग्वेज से, अगर कोई हमारे समाज में अलग, अगर मान लो कोई काला है, ठीक है, काले गोरे का भी बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट अगर रिलीजन है, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इन सब में भी क्या भेदभाव किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट कास्ट हो गई, कास्ट को लेके भी भेदभाव किया जाता है, और जब हम सोशल और कल्चरल फैक्टर को भी कंसिडर करते हैं तो भी क्या है, ये एक तरीका है मार्जिनलाइजेशन करने का। उसके बाद है एक्सेप्शनली लिंक्ड फैक्टर लाइक बीइंग गिफ्टेड और जीनियस। अगर कोई गिफ्टेड बच्चा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जीनियस है, या फिर कोई स्लो लर्नर है, ठीक है, जिसको समझ नहीं आता, जो मंदबुद्धि होता है, ठीक है, बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना कि तू मूर्ख है तुझे कुछ समझ नहीं आता, तो उस बच्चे को सफरिंग फ्रॉम वन और अदर डिसेबिलिटी और इनकेपेबिलिटी। अगर कोई बच्चा एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी कितनी तरह की पढ़ते हैं हम, ठीक है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ADHD, तो अगर कई बच्चों को मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी डिसेबिलिटी भी एक साथ हो जाती है, उन बच्चों को भी क्या है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि ये तो किसी काम का ही नहीं है, इसको बिल्कुल ही क्या निगलेक्ट कर दिया जाता है। जीनियस बच्चों को भी निगलेक्ट किया जाता है कि ये तो ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है, हम ना तो जीनियस को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ही हम क्या है लो बच्चे को बर्दाश्त कर सकते हैं, हम तो चाहते हैं हमेशा एवरेज बने रहना, तो एवरेज काम चलता रहता है हमारी सोसाइटी में। तो इसी तरह से क्या है कि जो हमारे समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लायक नहीं होता है, उसे क्या कर दिया जाता है, हमारे समाज से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसका सोशल एक्सक्लूजन कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं मार्जिनलाइजेशन कर देना। उसके बाद देखते हैं हम किस किस बेसिस पे किया जाता है मार्जिनलाइजेशन। जैसे कि सबसे पहले विद रेफरेंस टू जेंडर, लिंग के आधार पर जब हम करते हैं, लिंग के आधार पर बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक है मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। अब ऐसा नहीं है कि मेल को निगलेक्ट नहीं किया जाता, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन भी आती है जहाँ पर क्या है कि मेल को क्या हम निगलेक्ट करते हैं, ठीक है, फीमेल की अपेक्षा क्या मेल को हम अलग थलग करने की कोशिश करते हैं। अब देख लेते हैं कि जेंडर इशू क्या है। जेंडर इशू इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स एंड कंसर्न रिलेटेड टू वुमेन एंड मैन। जितने भी कंसर्न मैन एंड वुमेन एंड ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है वो सारे इश्यूज आ जाते हैं लाइव्स एंड सिचुएशंस इन द सोसाइटी टू द वे दे ट्रांसलेट द डिफरेंसेस देयर डिफरेंसेस इन एक्सेस टू एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज की रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए देयर एक्टिविटीज एंड हाउ दे रिएक्ट टू चेंज इंटरवेंशन एंड पॉलिसीज। जेंडर इशू क्या हो गया कि जब हम क्या करते हैं कोई भी काम करने के लिए, कोई एक्टिविटी करने के लिए अगर हमें कोई रिसोर्सेज चाहिए वो देने में डिफरेंसेस करते हैं, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी, मान लो कोई जॉब है, हाई लेवल की जॉब है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस जॉब पर क्या है मेल पर्सन को ही क्या है अपॉइंट किया जाए फीमेल की अपेक्षा, क्योंकि ये माना जाता है कि मेल्स जो है वो हैंडल ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कोई रिस्क है, ठीक है, और कोई प्रेशर है तो उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं, वुमेन नहीं कर सकती, तो इस तरह से क्या उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कि वो भी क्या हाई रैंक पर क्या काम कर सके। तो इस तरह से बहुत सारी हमारे समाज में क्या है इस तरह से क्या बायसनेस किया जाता है जेंडर को लेके। तो हम जेंडर में किस किस को इंक्लूड करते हैं, मेल के साथ भी किया जाता है, फीमेल के साथ तो बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, देन ट्रांसजेंडर के साथ भी किया जाता है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है कि वो साथ में कदम से कदम मिला करके चल सके। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जैसे कि
हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स ही ले लेते हैं कि सेम काम है, ठीक है, आदमी को क्या है बेसिकली ज़्यादा पैसा दिया जाता है और औरत को उसी काम के लिए कम पैसा दिया जाता है। काम भले ही वो दोनों सेम कर रहे हैं बट ये हमारे थिंकिंग है। उसके बाद क्या है कि देखिए ये माना जाता है कि औरत जो है वो घर का काम करेगी और आदमी जो है वो बाहर का काम करेगा, ऐसा भी हमारे सोसाइटी की मेंटेलिटी है। उसके बाद देखिए हमेशा क्या होता है कि औरत को, ठीक है, आदमी के द्वारा क्या किया जाता है कि उसको थोड़ा दबाया जाता है, ठीक है, तो ऐसा होता है हमारे समाज में। और क्या है कि अगर कोई काम करे तो ज़्यादा हिस्सा पुरुष का और कम हिस्सा औरत को दिया जाता है, ऐसा हमारे डेली लाइफ में होता है और हमें देखने को भी मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि मार्जिनलाइजेशन इन रेफरेंस टू सोशल क्लास, कि सोशल क्लास के बेसिस पे भी मार्जिनलाइजेशन किया जाता है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है सोशल स्टेटस और दूसरा है इकोनॉमिक स्टेटस। सोशल स्टेटस में क्या आ जाता है कि सोशल स्टेटस फर्दर लिंक टू कास्ट, अगर हम कास्ट के बेसिस पर, ठीक है, जाति के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, धर्म के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पे अगर किसी के साथ भेदभाव करते हैं, ठीक है, मार्जिनलाइज करते हैं किसी को, तो हम उसको सोशल स्टेटस में इंक्लूड करते हैं। नोमैडिक पीपल्स, ठीक है, कि जो कि बंजारे होते हैं, ठीक है, बंजारे पीपल, बैकवर्ड कम्युनिटी, जो बंजारे होते हैं, जो कि एक जगह पर स्थिर होकर नहीं रहते, ये जगह जगह पर क्या है जाते हैं, कुछ कुछ महीने रहते हैं, फिर ठीक है फिर कहीं और चले जाते हैं, तो इस तरह के जो बंजारे होते हैं इनको भी क्या इनके सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या इनको अलग थलग कर दिया जाता है, इनको मेन स्ट्रीम में नहीं रखा जाता। बहुत सारे क्या है कि कास्ट के बेसिस पर, धर्म के बेसिस पर और क्या लैंग्वेज के बेसिस पर हम क्या करते हैं हमारे समाज में इन लोगों को मार्जिनलाइज करते हैं। उसके बाद क्या है इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे भी किया जाता है कि कौन कितना ज़्यादा अमीर है, ठीक है। बेसिकली हमारे सोसाइटी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होती है अपर क्लास, दूसरी होती है मिडल और तीसरी होती है लोअर क्लास। अब अपर क्लास के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी अमीर होते हैं, उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है बहुत हाई होता है। अब लोअर क्लास फैमिली जो है वो दोनों के बीच में पिसती है, ठीक है, वो लोअर क्लास और अपर क्लास के बीच में हमेशा पिसती ही रहती है। तो क्या है कि हमेशा क्या किया जाता है हमारी सोसाइटी में, जो लोअर क्लास है उसको क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है, उनके इकोनॉमिक बेसिस पे, सोशल बेसिस पे उनको एक्सक्लूड किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मार्जिनलाइजेशन विद रेफरेंस टू पॉवर्टी, कि गरीबी के आधार पर किस तरह से मार्जिनलाइज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दीपक शर्मा, पॉवर्टी इज रिलेटेड विद लो पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपल। पॉवर्टी का क्या मतलब हुआ, गरीबी का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति अपनी बेसिक जो जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, जो भी बेसिक उसकी ज़रूरत होती है उसको पूरा ही नहीं कर पाता, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो पूरा नहीं कर पाता मिनिमम आवश्यकताओं को, तो उसे हम गरीब कहते हैं, ठीक है। तो क्या जब उसकी लो पर कैपिटा इनकम है तो उसको हम क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, पॉवर्टी मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पुअर। पॉवर्टी एक ऐसी दशा है जिसमें एक व्यक्ति बहुत ही अधिक गरीब है, ठीक है, वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता, उसको हम कहते हैं गरीबी। गरीबी कितने तरह की होती है, गरीबी बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट। रिलेटिव होती है सापेक्ष, मतलब तुलनात्मक तौर पे, अगर हम तुलना करके देखें, ठीक है, अपने देश की तुलना अगर हम यूएस से करके देखें तो यूएस की तुलना में हमारा देश बहुत ज़्यादा गरीब है। अभी वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम और हमारे यहाँ की पर कैपिटा इनकम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो क्या है इस हिसाब से तो हम बहुत गरीब हुए, ठीक है। रिलेटिव का मतलब होता है जब हम तुलना करते हैं, ठीक है, तुलनात्मक तौर पर देखते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष, ठीक है, या फिर पूर्ण निर्धनता, कि पूरी तरह से हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे देश में ये फिक्स किया गया है कि जो कि गांव है, ठीक है, विलेजेस हैं, विलेजेस में क्या है अगर कोई पर्सन 816 रुपए, ठीक है, 816 रुपए प्रति माह कमा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है गरीब नहीं है, 816 रुपए में वो अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सकता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि हमारे जो शहर हैं, ठीक है, शहर में अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपए महीना कमा रहा है, ठीक है, तो उसको हम गरीबी रेखा से नीचे नहीं मानते। अगर एब्सोल्यूट पॉवर्टी कब होगी, जबकि जो भी गरीबी रेखा तय की गई है, ठीक है, 816
ठीक है, गांव में और 1000 शहर में, अगर कोई इस गरीबी रेखा से भी नीचे आता है, ठीक है, वो यहाँ तक भी नहीं कमा पाता, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। गरीबी रेखा से, निर्धनता रेखा से जब कोई व्यक्ति नीचे आता है तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कि वो इतना मिनिमम जो है पैसा वो भी नहीं कमा पाता है, तो इसे कहते हैं हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब पॉवर्टी के क्या क्या कारण हैं? पॉवर्टी के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले आ जाता है हाई पॉपुलेशन, ठीक है। अब जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, बट क्या है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, ठीक है, लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि बिल्कुल लोगों के पास पढ़ाई नहीं है, उन तक बेसिक ज़रूरतें उनकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से भी क्या है कि हर व्यक्ति को काम नहीं मिल पा रहा, तो इस वजह से भी क्या वो निर्धन है। उसके बाद है क्लाइमेट फैक्टर, कि क्लाइमेट फैक्टर भी बहुत जो है इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। भौगोलिक तत्व, कि कहीं पर क्या है बहुत ज़्यादा क्या है बरसात आ जाती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा क्या है गर्मी पड़ जाती है, तो उस वजह से भी क्या है कि लोग क्या है गरीब हो जाते हैं, ठीक है, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, ठीक है, इस वजह से भी क्या है बहुत ज़्यादा गरीबी हो जाती है। इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, और वो क्या अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। उसके बाद है कुछ पर्सनल कॉजेज भी हैं, ठीक है, लोगों के अपने कुछ व्यक्तिगत कारण भी हैं, ठीक है, तो उस वजह से भी क्या गरीबी हो जाती है। तो गरीबी तो बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना बहुत ही दयनीय स्थिति होती है किसी भी इंसान के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, और किस किस तरह से मार्जिनलाइजेशन हमारे सोसाइटी में किया जाता है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।